हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर्स नेटवर्क के बारे में हम जानते हैं नेटवर्क का मीनिंग ही होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम और आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन तो दोनों टर्म को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम फिजिकल लेआउट में कंप्यूटर डिवाइसेस को कैसे हमने इंप्लीमेंट किया है कैसे उन्हें रखा है और उन्हें कैसे एक दूसरे से साथ कनेक्ट किया है गैस उसी टर्म को बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस आपने हर डिवाइस को किस तरीके से कनेक्ट किया है उन्हें कहा जाता है गैस नेटवर्क आर्किटेक्ट

थ्री स्टैंडर्ड आई ट्रिपल ई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ये प्रोफेशनल इंजीनियर्स में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है जो ये जो ये के इक्विपमेंट वगैरह बनाती है सब कंपनियां सब इंजीनियर्स इंजीनियर यही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड फॉलो करने से सेम चीज डेवलप होती है और टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी से डेवलप भी होती है और अच्छे से डेवलप भी होती है तो उसी को स्टैंडर्ड बोलते तो इथर्नेट एक प्रकार का हमारा स्टैंडर्ड है जिसे आई ट्रिपल ई एट जीरो स्टैंडर्ड वैसे कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है देर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ द इथरनेट नेटवर्क इसके बहुत सारे टाइप होते हैं गए तो मेनली जनरली इथरनेट इंप्लीमेंट किया जाता है बस फिजिकल टोपोलॉजी में ये भी हम स्टडी कर चुके हैं और वैसे भी बस फिजिकल टोपोलॉजी में गैज आपको पता है कॉन्टेंशन मेथड का यूज होता है तो उसे इंप्लीमेंट करना है तो इथर्नेट का यूज़ वगैरह करते हैं बट समाइम्स इथर्नेट नेटवर्क यूजेज स्टार फिजिकल टोपोलॉजी बट उसके अंदर बस लॉजिकल टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसी टोपोलॉजी को बोलते हैं स्टार बस टोपोलॉजी यानी ही टेन बेस्ट टी अब ये टेन टी गेज एक प्रकार की टोपोलॉजी है ये इथर्नेट टोपोलॉजी है तो उन्हीं के बारे में हमें स्टडी करनी है द इथरनेट टोपोलॉजीज आर कौन कौन सी होती है हम स्टडी करते हैं और इन ये टर्म्स का वगैरह मीनिंग वगैरह क्या होता है वो भी हम स्टडी करते हैं साथ में सो so, इसके इतने सारे टाइप है गए जैसे कि टेन बेस टू उसके बाद है टेन बेस्ट फाइव टेन बेस टी जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे टेन बेस्ट एफ एल हंड्रेड वी जी एनी लैन और साथ ही साथ में है हंड्रेड बेस एक तो ये जो टेन 10 और हंड्रेड लिखा है इस टोपोलॉजी में इसका मीनिंग हम जान लेते हैं द नेम ऑफ द इथोनेट टोपोलॉजी बिगिन विद द नंबर टेन और हंड्रेड और इसका मीनिंग होता है दैट स्पेसिफाइड द ट्रांसमिशन स्पीड फॉर द नेटवर्क यानी गज अल्टीमेटली कैपेसिटी मतलब ही बैंड विद यानी कि उस नेटवर्क की बैंडविथ कितनी उसकेबल्स के थ्रू डेटा कितने स्पीड में ट्रांसमिट होने वाला है ये बताता है तो टेन बताएगा टेन एम बी पी एस तो हंड्रेड बताएगा हंड्रेड एम बी पी एस नेक्स्ट पॉइंट है टेन बेस फाइव इज डिजाइन टू ऑपरेटेड टेन एम बी पी एस तो टेन बेस एक्स ऑपरेटेड द हंड्रेड एम बी पी एस तो यही उसका मीनिंग होता है टेन और तो गैस ये बर्स टोपोलॉजी है एक ही वायर का यूज होता है एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बेस बैंड का यूज होगा अगर मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो ब्रॉड बैंड का, so का यूज होता है तो यहाँ पे बेस बैंड ट्रांसमिशन का यूज वगैरह होता है नेक्स्ट पॉइंट है टी इज फॉर ट्विस्टेड पेयर वायरिंग एस एल इज फॉर द फाइबर ऑप्टिक केबलिंग यानी किसी इथर्नेट टोपोलॉजी में कौन सा वायर का यूज हो रहा है वो यहाँ पे बता रहे गए जैसे टू पता है कैटेगरी टू होता है फाइव पता है कैटेगरी फाइव का केबल होता है जो हमने पढ़ा है गया इस हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल में तो वैसे हमारे ये टी है

कुछ और पॉइंट है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है उनके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इसमें फर्स्ट पॉइंट है इथरनेट नेटवर्क ट्रांसमिट डेटा इन अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एज फ्रेम अभी थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझते हैं दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं एक कंप्यूटर में फिर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट होना चाहते हैं तो पहले कंप्यूटर में गए फोर एम की फाइल है जस्ट फोर एम की फाइल है दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट होना चाहते हैं वायर के थ्रू तो अब यहां पे क्या होता है जो फोर एम की फाइल है वो तो एक साथ ट्रैवल नहीं होती गाय तो मतलब एक साथ फोर एम बी का डेटा ट्रैवल नहीं होता है तो उस फोर एम बी की फाइल के छोटे छोटे पार्टिशन होते हैं स्मॉल यूनिट में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है उसी को बोलते हैं फ्रेम यानी कि सोर्स में गई वो डिसेंबल हो जाते हैं और जब डेस्टिनेशन के ऊपर वो पोचते हैं पूरे के पूरे फ्रेम पूरे के पूरे यूनिट देन ये वो फिर से असेंबल हो जाते हैं और ओरिजिनल फाइल वहां पे आपको वो मिल जाती है एक ही फाइल एक साथ ट्रांसमिट करने के बजाय उसी फाइल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसी को बोलते हैं गाइज फ्रेम और वही टेक्निक का यूज होता है हमारे इथरनेट में फ्रेम से मिलता जुलता टॉपिक भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं पैकेट तो इसमें पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं द साइज ऑफ द इथरनेट फ्रेम इज दिक्सटी फोर टू फाइव वन फाइव एट बाइट इतने बाइट की एक फ्रेम हो सकती है यानी उस फाइल का एक छोटा यूनिट गए 64 से लेकर 1518 बाइट तक का हो सकता है 18 बाइट्स ऑफ द टोटल फ्रेम साइज आर टेकन अप फॉर द फ्रेम ओवरहेड सच एज द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन एंड एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन इथरनेट फ्रेम आर इथरनेट 2802.2 एंड 802.3 ऐसे स्टैंडर्ड भी वहां पे यूज होते हैं अब देखो अब उनके तो पार्टीशन कर दिए ना अपने एक फाइल के बहुत सारे पार्टीशन कर दिए बाद में उन्हें असेंबल भी तो करना है ना तो असेंबल करना है वो कहीं ना कहीं पे ट्रैवल होने वाले हैं कौन से उसमें प्रोटोकॉल यूज होंगे उसमें कौन सी टेक्निक यूज होने वाली है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उस बाइट में से मतलब कि सिक्सटी बाइट से लेकर इन बाइट में से गाइज एटीन बाइट रिजर्व रखी जाती हैं ये चीज़ें स्टोर करने के लिए तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं और टिपिकल इथरनेट टू फ्रेम हैज़ द फॉलोइंग सेक्शन देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती गाइज़ प्रियम्बल होता है एड एड्रेस होता है टाइप डेटा और सी आर सी यानी जो हम फ्रेम की बात कर रहे हैं जब वो फ्रेम ट्रैवल हो रही है टुकड़ों टुकड़ों में जा रही हैं, आगे जाके वो असेंबल भी होने वाली हैं, तो पता तो चलना चाहिए ना कि वो कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है कहाँ पे उसका एंड होने वाला है सोर्स कौन है डेस्टिनेशन कौन है कौन से टाइप का प्रोटोकॉल फॉलो होने वाला और इट से डेटा कौन सा है सब चीजें गैज इसी में रखी जाती हैं तो वन बाय वन देखते हैं हम जैसे कि प्रीएम्बल अ फील्ड दैट द द ऑफ फ्रेम फ्रेम आप इसे पूरे फ्रेम को पोस्ट कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं कभी, कभी ना कभी तो आपने पोस्ट कार्ड लिखा होगा ना गैस तो देखो हमने वहां पर प्रीएम्बल लिखते हैं यानी कि बताते हैं कि आपके पोस्ट कार्ड की शुरुआत कहाँ से हो रही है तो वैसे गैज हमारे फ्रेम में होती है अब फ्रेम को सिग्नल ही है ना तो सिग्नल की शुरुआत कहाँ से हो रही है उसे कहाँ से आपको पढ़ना है तो वो चीजें गैस आपको प्रियम

सो so, बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम है प्रोटोकॉल्स वैसे हमें पता है प्रोटोकॉल्स का मतलब गए रूल होते हैं कंप्यूटर और ट्रांसमिशन मीडियम कुछ रूल फॉलो करते हैं जब वो डेटा ट्रांसमिट वगैरह करते हैं तो उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है पहला पॉइंट है प्रोटोकॉल्स आर रूल्स बाय विच कंप्यूटर कम्युनिकेट जिस रूल के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं स्टैंडर्ड रूल्स होते गए उनके थ्रू ही डेटा वगैरह ट्रांसमिट होते रहता है नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स कैन यूज एनी नंबर ऑफ सिस्टम फॉर पासिंग मैसेजेस बट फॉर दिस दे मस्ट बी द यूजिंग द सेम रूल कितने भी कंप्यूटर कितने भी कंप्यूटर के साथ

तो फिर कुछ भी हो सकता है तो कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही होता है कि हर कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए तो उसी को वैसे बोलते हैं प्रोटोकॉल नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क डेटा इज एनकैप्सुलेटेड इन द पैकेट एट द सोर्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि फ्रेम से मिलता जुलता हमारा एक टॉपिक रहने वाला है और वो है पैकेट तो फ्रेम क्या होते गए जो हमारी मेन फाइल होते हैं उसके छोटे छोटे यूनिट बनाए जाते हैं और हर यूनिट को हम क्या बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं और फ्रेम को गाइज हमने पोस्ट कार्ड से कंपेयर किया था तो वैसे ही गाइज पैकेट होता है तो कोई भी फाइल हो सकती है सर्विस हो सकती है रिक्वेस्ट हो सकती है उसे भी छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया जाता है और हर यूनिट को बोलते हैं पैकेट आप इसे कंपेयर कर सकते गए इस कुरियर से है ना अब देखो जब हम कुरियर कर दें तो पूरी चीज़ एक साथ कुरियर कर देते हैं कंप्यूटर में क्या होता है पता है क्या अब ये सब चीज़ें वर्चुअल होती हैं तो हर चीज़ के छोटे छोटे पार्टीशन किए जाते हैं और हर पार्टीशन को आइदर फ्रेम कहा जाता है या तो फिर पैकेट कहा जाता है तो और प्रोटोकॉल में यही टर्म गाइज ऐसे पैकेट करके आती है और, और ये पैकेट्स ही होते हैं गाइज जो एक नेटवर्क पर दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट होते हैं सोर्स पे डिसेंबल होते हैं तो डेस्टिनेशन में जाके वो अगेन गाइज रीअसेंबल होते हैं और आपको ओरिजिनल फाइल वगैरह वहाँ पर मिलती है तो उनके बारे में पहले हम स्टडी कर लेते हैं जैसे कि इट इज़ सेंड

अब देखो देखोग पैकेट में क्या क्या चीजें रहेंगी ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रोटोकॉल का वहाँ पे यूज किया है क्योंकि नेटवर्क से सिर्फ गाइज सेम चीजें जाएंगे ऐसा नहीं होता है अलग अलग टाइप चीजें कैरी करने के लिए आपको अलग अलग प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं वो थोड़ी देर में हम स्टडी करने ही वाले हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जैसे फ्रेम में होती है ना गाइज हमने देखा है फ्रेम में प्रियम बिल से लेकर सीआरसी तक जो कंपोनेंट होते हैं बिल्कुल वैसे हमारे पैकेट में होते हैं तो वन बाय वन हम देखते हैं कंपोनेंट के पैकेट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे कि पहली है हेडर ये बिल्कुल मैच करती है हमारे प्रियम बिल से जो फ्रेम के साथ होती है दिस सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ द पैकेट जैसे प्रियम बिल में होता है बट साथ में वहां पर एड्रेस भी था तो एड्रेस जो होता है ना वो हेडर में ही होता है हमारे यहाँ पे इट कंटेंट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एज वेल एज टाइम इक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन हमने पैकेट को कंपेयर किया है कुरियर वाले पैकेट से गईज अगर आपको किसी को कुरियर भेजना है तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन भेज रहा है और कहाँ पे भेजना है आपको एंड वही चीजें गईज हमारे इस पैकेट के साथ भी होती है किसी फाइल इंस्ट्रक्शन या फिर रिक्वेस्ट को हम छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करते हैं वही हमारे पैकेट होते हैं तो पैकेट के अंदर गईस ये चीज़ तो इंक्लूड होती है

तरफ वो जाना चाहिए था और वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो इसमें लिखा है हेडर में अगर वो मैच होता है तो जो हमारा नेटवर्क एडेप्टर होता है कंप्यूटर को इंटरप्ट करता है अल्टीमेटली प्रोसेसर को इंटरप्ट करता है और जो प्रोटोकॉल लेयर होती है उसके अंदर वो इनकमिंग पैकेट को प्रोसेस करती है जैसे हमारा कुरियर का जो प्रोसेस होता है ना कि हमने गायर तो भेज दिया अब डेस्टिनेशन की तरफ वो पहुंचा है तो अब वो जो कुरियर जो सामने वाला पर्सन रिसीव कर रहा है वो चेक तो करेगा ना क्या वो उसी के लिए आया है कि नहीं आया पता चला कि कुछ गलत कुरियर उसके पास आ गया तो वो चेक करता है कि नहीं करता है और देन उस पैकेट को वो प्रोसेस करता करता है है ओपन एंड सो ऑन जैसे हमारे रियल लाइफ में हम कुरियर

थी अमेरिका के मिलिट्रीज में इसकी शुरुआत हुई थी वहां के कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल इन्वेंट किया जिसी का नाम था इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर आल्सो कॉल्ड एस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल से कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट है टी सी पी आई पी इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू अगर आपको कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो टीसीपी आई पी प्रोटोकॉल का यूज आपको करना पड़ता है और अभी भी ये गईस होता है अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स आर एसोसिएटेड विद द डी सी पी आई पी और इसी के अराउंड गए बाकी प्रोटोकॉल को अरेंज वगैरह किया गया है दिस कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज और इनके भी कुछ और कैटेगरीज है गई जैसे कि जनरल टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल्स इसके बाद टीसीपी आई पी सर्विस और लास्ट है टीसीपी आई पी राउटिंग ऐसे तीन प्रकार के टीसीपी आई पी प्रोटोकॉल होते हैं तो हमको स्टडी करना है गई जस्ट जनरल टीसीपी आईपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल और उसके बारे में स्टडी करते हैं इन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल देर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ एड्रेस अ नोड एड्रेस एन अ लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस अब देखो क्या होता है टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल गैस एक प्रकार का नंबर ही होता है नंबरिंग स्कीम ही होती है जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है ना बिल्कुल वैसा ही गैस यहाँ पे भी एक आई पी एड्रेस होता है तो इसके अंदर दो एड्रेसेस होते हैं एक नोड एड्रेस होता है यानी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस होता है और वो कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्ट है वो एड्रेस उसके साथ एसोसिएटेड होता है और वैसा हमारा एक प्रोटोकॉल बनता है एक, एक आई पी एड्रेस बनता है जिसका नाम होता है टी सी पी आई पी नोड एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एंटिटी ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क और लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस इज दिगमेंट ऑन द नेटवर्क टू विच द नोड इज अटैच इसे दो मिलके के गैस हमारे आईपी एड्रेस वगैरह बनता है तो इसी के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है कि टीसीपी आई जो आई एड्रेस होता है वो कैसे वगैरह फॉर्म होता है और इससे कौन कौन से टाइप वगैरह होते हैं बटते हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फर्स्ट पॉइंट है टीसीपी आई यूजेस नंबरिंग स्कीम दिस नंबर इज अ आई एड्रेस गैस जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है ना वैसे ही आईपी एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो गैस हमें एक पी एड्रेस अलोकेट किया जाता है और वही हमारी एक आइडेंटिटी होती है उसी को बोलते हैं हम एड्रेस एड्रेस और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में गैस यही का यूज होता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑल डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क नीड यूनिक एड्रेस जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है ना गैस वैसे ही हमारा ही आईपी एड्रेस होता है नेक्स्ट पॉइंट है एन आई पी सेट ऑफ फोर नंबर दे कैन रेंज इन द वैल्यू बिटवीन जीरो चारों नंबरों को गाइज देन पीरियड यानी कि डॉट से सेपरेट किया जाता है एक नंबर में चार पार्टीशन होते हैं और हर पार्टीशन को डॉट से डिवाइड किया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल गए सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट टू वन और यहाँ सोआन आप भी नहीं किया गए गूगल में जाओ और लिख कर वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं वॉट इज़ माई आई पी एड्रेस और आपको आपके डिवाइस का उस टाइम का आई पी एड्रेस आपको मिलेगा और ऐसे ही नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा हर नंबर का यहाँ पे पर्टिकुलर मीनिंग होता है तो उसी के बारे में हमें स्टडी करना है और इस नंबर का भी गए स्टाइक वगैरह होता है जैसे कि देर आर थ्री क्लासेस ऑफ द एड्रेस क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी होता है बहुत डिटेल में नहीं है गाइज हमें जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि ये क्या वगैरह चीजें होती हैं तो इन क्लास A में में जो नंबर होता है बिटवीन वन एंड वन ट्वेंटी सेवन अपियर बिफोर द फर्स्ट डॉट यहाँ पे जो सिक्सटी एट लिखा है ना गाइज यहाँ पे इन नंबर की रेंज यहाँ पे ये होती है द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द नेटवर्क एड्रेस जो पहला नंबर होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है द लास्ट थ्री नंबर रिप्रेजेंट द नोड और द होस्ट नंबर यानी एक्चुअल डिवाइस का नंबर वो होता है कौन से नेटवर्क से वो जुड़ा है उसका एड्रेस और बाकी आपके डिवाइस का एड्रेस वगैरह होता है तो जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है गैज इसमें जो होस्ट नंबर है देखो सिक्सटी तो नेटवर्क नंबर है और बाकी के जो तीन डिजिट बचे हैं गैस होस्ट नंबर है और नेटवर्क का नंबर है नेक्स्ट इन इन क्लास बी द द फर्स्ट नंबर कैन रेंज वैल्यू लेकर वन लेकर वन तक ये होता है तो इसमें है गाइज द फर्स्ट टू नंबर फ्रॉम द नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट टू फ्रॉम द होस्ट आई तो यहाँ पे कैसे होता है होते पहले दो हमारे यहाँ पे नेटवर्क का एड्रेस होते और बाकी के हमारे क्या होते हैं देन हमारा खुद का डिवाइस का एड्रेस वगैरह होता है इन क्लास इज द फर्स्ट नंबर कैन रेंज फ्रॉम द वन से लेकर टू टू थ्री तक ये एड्रेस वगैरह होते हैं द फर्स्ट थ्री नंबर मेकअप द नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट नंबर इज फॉर्म द होस्ट आई तो क्या ऐसा इनका डिफ्रेंशिएशन होता है तो अगर आपको ये पॉइंट याद रहते हैं तो आपको इसके बारे में लिखना है बटते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी ही उसको हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज अ प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल होता है गाइस इट इज अ पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल दैट परफॉर्म द एड्रेसिंग एंड राउट द सिलेक्शन ये सिलेक्ट करता है कि, कि किस डेस्टिनेशन की तरफ पैकेट लेके जाना है कहा से वापस लेके आना है और कौन सा रूट सिलेक्ट करना है वो सब कुछ इसके साथ डिसाइड होता है नेक्स्ट पॉइंट है आईपी राउट द पैकेट थ्रो इंटरनेट वर्क इंटरनेट के थ्रू यही पैकेट होते हैं जो स्विच होते रहते हैं इधर से उधर। इट परफॉर्म द एंड द रीअसेंबली और वो जो पैकेट डिस्टिनेशन की तरफ जाते हैं वहां पे वो फिर से रीअसेंबल होते हैं और सोर्स से जाते हैं तब वो डिसेंबल होके आगे आगे बढ़ते हैं में या नेटवर्क के बीच में कनेक्शन मेंटेन करने या काम TCP करता है एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो टीसीपी मेंटेन लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर सिस्टम दो कंप्यूटर के बीच का ये लॉजिकल कनेक्शन मेंटेन करके रखता है तभी जाके वो आईपी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांसमिशन इज है टीसीपी डिटेक्स एनी प्रॉब्लम इन द ट्रांसमिशन क्विकली एंड टेक्स टू करेक्ट अब यहाँ पे कनेक्शन मेंटेन करने का काम ही टीसीपी का होता है, कोई अगर होती है तो क्विकली करना और उसको करेक्ट भी करना यह काम भी टीसीपी करता है टीसीपी ऑल्सो प्रोवाइड मैसेज फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली अब देखोगे इस जो मैसेज को हम पैकेट में कन्वर्ट करते हैं यानी की एक बड़ी सी फाइल है उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया उसी को हम फ्रेगमेंटेशन या सिगमेंट भी कहते हैं ये काम भी टीसीपी कर टीसीपी फ्रेगमेंट मैसेज इंटू सीगमेंट और सिगमेंट को गाइज हम पैकेट्स कहते हैं दीज सीमेंट कैन बी हैंडल बाय द आईपी एक बार गाइज कनेक्शन बन गया फ्रैगमेंट का सीगमेंट में कन्वर्शन हो गया यानी अल्टीमेटली पैकेट में कन्वर्शन हो गया तो उसे ट्रांसमिट करने का काम देना हमारा आई करता है टीसीपी कैन कंबाइन मल्टीपल मैसेज इन टू सेम सीगमेंट और अलग अलग फ्रेगमेंट को फिर देन वो देना एक सेम सेगमेंट में भी वो कन्वर्ट कर सकता है सो so गाइज अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है थ्री मार्क्स का तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको वगैरह लिखने हैं सो so बढ़ते गई हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिविटी डिवाइस इसके ऊपर गई फोर मार्क और क्वेश्चन निकल के आता है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से है ये इसे हमको बहुत अच्छे से स्टडी करना है तो हमें कौन कौन से कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में पढ़ना है देगा इस टॉपिक में मॉडेम हर्ब्स रिपीटर एंड राउटर कभी ना कभी आपने इन डिवाइसेस का नाम सुना होगा उसमें से हम पहला स्टार्ट करते जिसका नाम है मॉडर्म आपने ये भी वर्ड कभी ना कभी सुना ही होगा गई और डे टू डे लाइफ में शायद हम यूज़ भी करते हैं ऐसा एक डिवाइस होता है इसे हम मॉडेम बोलते हैं तो मॉडेम का यूज़ क्या है मेरे ख्याल से आपको पता है अगर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है तो हमें मॉडेम की जरूरत वगैरह पड़ती है जो अर्लियर इंटरनेट प्रोवाइडर थे गई हमारे यहाँ पे वो कौन रहते थे पता है जो हमारे लिए लैंडलाइन -लैंड सर्विस प्रोवाइड करते थे यानी कि जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर होते थे वही हमारे यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे जिस टेलीफोन लाइन से वॉइस ट्रांसमिट होती थी उसी लाइन से गैस डेटा भी ट्रांसमिट होता था और गैस जो उन वायर में से जो सिग्नल्स आती थी उन्हें डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना कैसे ट्रांसमिट करना वही हमारा ये मॉडर्न काम करता है तो उनके बारे में हम पॉइंट लिखते हैं गैस। देखो जैसे कि कंप्यूटर स्टोर डिजिटल डेटा बात है बाइस वाइल टेलीफोन लाइन कैन ट्रांसमिट ओनली एनोलॉग डेटा यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं मॉडर्न कैन ट्रांसमिट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइन बाय कन्वर्टिंग देम टू द टू एनोलॉग फॉर्म यानी गाइज पता है कंप्यूटर का डिजिटल डेटा एनोलॉग में कन्वर्ट करना और एनोलॉग वाला डेटा डिजिटल में कन्वर्ट करना यही काम गई हमारा मॉडर्न परफॉर्म करता है कन्वर्टिंग वन सिग्नल फॉर्म टू अनादर इज कॉल्ड एज ए मॉडुलेशन एंड रिकवरिंग ओरिजिन सिग्नल्ड एज ए डी मॉडुलेशन एनोलॉग टू डिजिटल डिजिटल टू एनोलॉ मॉडर्म इज मॉडुलेटर डी तो ये नाम कैसे डिराइव मॉडुलेटर एंड and demodulator का ये शॉर्टकट करके हमने क्या बना दिया है Modem बना दिया है नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है Modem इज used टू कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट तो गैस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वन पॉइंट है अगर आपको कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमको modem की जरूरत पड़ती है उससे हमें email, data डेटा ट्रांसफर एक्टिविटीज कैन performed परफॉर्म बाय द modem. ये भी चीजें हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉडेम्स ऑफर लिमिटेड बैंडविथ मतलब इसकी जो स्पीड होती है, गैस कैपेसिटी होती है वो एज कंपेयर टू बाकी डिवाइसेस थोड़े से कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्पीड ऑफ मॉडम इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसपोर्ट पर स देखो गाइज हम के बी पी एस एमबीपीएस जीबीपीएस जनरली एमबीपीएस में हम गाइज मॉडर्म की स्पीड वगैरह कैलकुलेट वगैरह करते हैं आपने भी ये चीजें कभी ना कभी ऑब्जर्व की होंगे सो so, गाइज इससे भी आगे भी कुछ पॉइंट है असिंक्रोनाइज मॉडेम सिंक्रोनाइज मॉडर्म तो वो टॉपिक हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वन मार्क के लिए क्वेश्चन और कभी कभी सिर्फ टू मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉडर्म की डायग्राम बनानी है और आप कुछ पॉइंट लिखने हैं तो उतने पॉइंट वगैरह हमारे लिए सफिसियंट है सो so, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कनेक्टिविटी डिवाइस की तरफ और डिवाइस का नाम है हब आपने कभी ना कभी गायस ये हब की डायग्राम वगैरह देखी होंगी

इसके वजह से गए हमारे पूरे जो केबल्स होते हैं उसका एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है जैसे स्टार टोपोलॉजी में जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको कनेक्ट करने के लिए वही हमारा ये हब है नेक्स्ट पॉइंट है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हब्स होते गए एक होता है पैसिव एक्टिव एंड स्विचिंग तो फर्स्ट स्टडी करते हैं पैसिव हब इज यूज टू कंबाइन द सिग्नल फ्रॉम द सेवरल नेटवर्क केबल सिगमेंट सभी जो जितने भी सिग्नल हर नेटवर्क से आते हैं उन्हें कंबाइन करने का काम करता है दिस इज डो नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डो नॉट प्रोसेस द डेटा सिग्नल इन एनी वे देखो इसके अंदर बस गए वायर का कॉन्सेंट्रेशन होता है बस कनेक्ट करने का काम जितने सिग्नल्स आते हैं उन्हें कंबाइन करने का काम होता है और हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो होता है अब इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होता है जो डेटा को प्रोसेस कर सके एम्पलीफाई कर सके कुछ नहीं कर सके बस ट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू पैसिव हब रिसीव ऑल पैकेट दैट पास थ्रू हब देखो गाइज अब इसमें साथ बहुत सारे कंप्यूटर है सर्वर एन बहुत कुछ चीजें जुड़ी हैं तो अगर कोई भी दो कंप्यूटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसी हब के थ्रू करना पड़ेगा तो जो पैकेट ट्रांसमिट होते हैं वो हर कंप्यूटर की तरफ गाइज पहुंचते ही है तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है पैसिव हब का हमारा नेक्स्ट है गाइज और वो है एक्टिव हब कैन एम्पलीफाई एंड क्लीन अप द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो यहाँ पे प्रॉब्लम है पैसिव हब में कि हर जगह पे डेटा पहुंचता है तो एक्टिव हब में वैसा नहीं होता है अगर वीक सिग्नल है तो उसे एम्पलीफाई भी किया जाता है और जो डेडिकेटेड डेस्टिनेशन है उसी की तरफ गाइज ये डेटा को भेजता है तो ये नेक्स्ट पॉइंट इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं देखो द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप इज कॉल्ड एज ए सिग्नल रीजनरेशन तो सिग्नल रीजनरेशन का, का काम भी हमारा एक्टिव अब करता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड प्रोसेस द डेटा सिग्नल डेटा सिग्नल को यह प्रोसेस करने का भी काम कर सकता है नेक्स्ट हब है guys, और वो है हमारा स्विचिंग हब होता है देखो ये क्या परफॉर्म करता है इट क्विकली राउट द सिग्नल बिटवीन द पोर्ट्स ऑफ द हब वो सिग्नल को राउट वगैरह करता है दिस कैन बी यूज इन

कितने दूर तक डेटा कैरी कर सकती है और उसके बाद गाइज उसके सिग्नल जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं बट हमें तो आगे भी सिग्नल भेजना है तो वीक सिग्नल को स्ट्रांग करने का काम करता है हमारा ये रिपीटर तो इसकी डायग्राम भी आप ऐसे बना सकते हैं ये हमारा रिपीटर है गाइज ओके तो इसके अंदर कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ से कुछ वीक सिग्नल्स आ रहे हैं और वीक सिग्नल को ये जो वीक सिग्नल है उसे वो स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम हमारा कौन करता है रिपीटर करता है तो ऐसी डायग्राम आप बना सकते हैं और कुछ छोटे मोटे पॉइंट आपको यहां पर लिखने जैसे कि रिपीटर द वीक

इट सिंपली रीजनरेट द सिग्नल देखो ये कुछ ना मॉडिफाई नहीं करता कुछ नहीं करता बस सिग्नल को वो आगे स्ट्रॉन्ग करके वो पास करता रहता है नेक्स्ट पॉइंट है दिस डिवाइस इज इन एक्सपेंसिव एंड सिंपल सस्ते भी होते हैं आपने डे टू डे लाइफ में ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा हमारे जो डिश के के केबल होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए उनकी लेंथ बढ़ाने के लिए भी ऐसे रिपीटर का वगैरह यूज होता है और इसका इंस्टॉलेशन भी आसानी होता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बाई एडिंग रिपीटर वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ अवर नेटवर्क ऑफकोर्स गाइज हम उसके लेंथ बढ़ा रहे हैं हम दूर तक सिग्नल वगैरह कैरी वगैरह कर सकते हैं आई होप सो तो गाइज आपको ये टॉपिक समझा होगा ये भी टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो डायग्राम और ऐसे कुछ छोटे मोटे पॉइंट लिखने और आपको टू मार्क्स या कभी समटाइम्स वन मार्क्स भी मिल सकते हैं तो गाइज बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के तरफ और इस चैप्टर के भी लास्ट टॉपिक के तरफ और जिसका नाम है राउटर तो आपने ये वर्ड कभी सुना होगा गाइज देखो राउटर इसी तरीके से होता है ये मॉडर्म हब और रिपीटर इनके जैसे दिखने वाला ही डिवाइस होता है बट इनके काम वगैरह थोड़े से अलग होते हैं गाइस कभी आपने इन्हें भी सुना होगा ये जो हमारे हॉटस्पॉट्स वाले जो डिवाइसेस होते हैं इन्हें भी आपने कभी राउटर कहा होगा तो देखो इस राउटर का, का काम क्या होता है अगर हमारे पास एक लैन नेटवर्क है या कोई भी नेटवर्क है और उससे मिलता जुलता या डिफरेंट अगर अगर हमारे पास और एक लैन नेटवर्क या कोई अलग नेटवर्क है तो दो नेटवर्क को जोड़ने का काम गाइस हमारा ये राउटर करता है अब देखो ये जो हमारे हॉटस्पॉट डिवाइसेस होते हैं ये भी क्या कर रहे हैं गाइस आप इससे कनेक्ट होते हैं बहुत मल्टीपल डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं बट ये भी तो किसी और टावर से कनेक्ट हो रहा है ना कि वही सिग्नल वहां से आ रहे हैं ना और उनका भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क है तो वो नेटवर्क और हमारा नेटवर्क उसके बीच का जो ये हमारा जो डिवाइसेस होता है जिसे कनेक्ट करने का जो काम करता है वही हमारा राउटर होता है तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है गैस तो अगर आपको डायग्राम बनानी है तो नीचे वाली आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं जितने आप जितने चाहिए उतने यहाँ पे नेटवर्क अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क बना सकते हैं और उन्हें कंबाइन करने का काम गैस हमारा ये राउटर करेगा तो बढ़ते थे हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ

फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी द इथर नेट एंड टोकन नेटवर्क कुछ भी हो सकता है ईस नेटवर्क इज अ लॉजिकली सेपरेट एंड द असाइन एन अड्रेस वो लॉजिकली उनके अलग एड्रेस हो सकते कुछ भी हो सकते हैं हमें कुछ लेना देना नहीं है बस तो दोनों कंबाइन करने का काम ये राउटर करता है नेक्स्ट पॉइंट है राउटर कैन यूज नेटवर्क एड्रेस टू असिस्ट इफिशियंट डिलीवरी ऑफ मैसेज गाइज राउटर क्या करता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क का एड्रेस होता है और उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर मैसेज की डिलीवरी होनी चाहिए उसके लिए भी राउटर आपको हेल्प करता है नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरिंग पैकेट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस इज कॉल्ड है राउटिंग तो राउटिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि डिलीवरिंग पैकेज जो नेटवर्क से वायर से जा रहे गैज उसकी प्रॉपर तरीके से डिलीवरी हो उसी को बोलते हैं गाइज राउटिंग एंड राउटर परफॉर्म द राउटिंग ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। एंड राउटर्स आर द इंटेलिजेंट मतलब वो रास्ता ढूंढते वे ढूंढते हैं कि बराबर पैकेट किस तरीके से वो और पर्टिकुलर जगह पे वो जाना चाहिए दे कैन यूज एज ए अलगोरिथम प्रिटरमाइन द मोस्ट इफिशियंट पाथ फॉर द सेंडिंग ए पैकेट टू द एनी गिवन नेटवर्क तो बहुत सारे उसकी केयरफुल प्रोग्रामिंग की जाती है एंड सो ऑन वेज बहुत टेक्निक का यूज होता है तब जाके वो एस इफिशियंस तरीके से काम कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट है राउटर्स कैन ऑल्सो भी यूज एज ए डिवाइड लार्ज बिजी लैन इन टू द स्मॉलर सीगमेंट आपने कैसे बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क हो सकते हो कनेक्ट करने का काम कर सकते ना अपने आप हाँ में एक लैन अलग तरीके से काम करेगा दूसरा अलग तरीके से काम करेगा बट इतने सारे नेटवर्क हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं और उसे कंबाइन भी करने का काम हमारा राउटर करता है नेक्स्ट पॉइंट है इस द प्रोटोकॉल्स लाइक आई पी आई पी एक्स एंड डी डी पी आर यूज टू सपोर्ट राउटिंग फंक्शन तो इतने सारे प्रोटोकॉल उसके अंदर वगैरह यूज हो सकते हैं राउटर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू कनेक्ट द लैंड वाइड एरिया नेटवर्क देखो लैंड को वैन से कनेक्ट करने के लिए भी हम राउटर का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे हॉटस्पॉट डिवाइस होते गए वो भी तो यही कर रहे हैं ना वैन हमारा इंटरनेट नेटवर्क है गैज इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेटेड नेटवर्क है और हमारा लैन जहाँ पर हमारे बाकी डिवाइसेज जुड़े हैं उनको कनेक्ट करने का हम राउटर ही तो कर रहे हैं तो वही काम हमारा राउटर यहाँ परफॉर्म करता है नेक्स्ट पॉइंट इसके टाइप के बारे में राउटर्स ऑफ टू टाइप्स एक स्टैटिक राउटर्स होता है और एक डायनेमिक राउटर होता है और स्टैटिक राउटर डो नॉट डिटरमाइन

कि कौन से क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अब फाइव ईयर्स के पेपर वगैरह देखो ग आपको पता चलेगा कि यही रिपीट रिपीट क्वेश्चन वगैरह आते हैं और वही हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं सो गेज आज से क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ अब तक गुड बाय थैंक यू गेज